तो पार्वती माता ने पूछा, प्रभु ये व्रत किसने किया? तो वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण, जिसके 7 पुत्र 1 कन्या वीरवती, वीरवती का विवाह होने के पश्चात उसने पहला व्रत जो अपने मायके में अपने भौजाइयों के साथ किया। सायंकाल के समय सबने भगवान शिव माता पार्वती गणेश जी का पूजन किया। काफी एक्साइटमेंट है, दिस इज माय फर्स्ट करवा चौथ। हां जी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। सुबह से फास्ट रखा है, थोड़ी सी टायर्ड भी हूं, बट इट्स अ गुड फीलिंग। आप न्यूली मैरिड हो? हां जी। आपके हस्बैंड ने इस बार आपको करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दिया? उन्होंने मुझे एक साड़ी गिफ्ट करी है, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। अच्छा। हां जी। अपने हस्बैंड के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आई देयर इज जस्ट वन मैसेज, आई लव माय हस्बैंड और मैं उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए हमेशा प्रे करती रहूंगी। एक्साइटमेंट तो हर साल बनी रहती है और मुझे लगता है कि हर साल लगता है कि एक नया दिन, इस दिन कलर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, इतने लोग ब्यूटीफुल कलर्स में रेडी होते हैं और दिस इज द बेस्ट टाइम, फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैम, लेडीज का कहें तो हर साल पूरे, मतलब जैसे ही करवा चौथ खत्म होता है अगले साल करवा चौथ की पहले से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। वो तैयारी ऐसी होती है, मैचिंग ड्रेसेस, मैचिंग अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करते हैं और जितने ज़्यादा ब्राइटर कलर्स हैं उतने ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है और इसी बहाने सबको मुलाकात हो जाती है। एंड आई थिंक ऑन दिस डे सब लोग इकट्ठे बैठ कर थोड़ी गपशप और इंजॉय करते हैं। मैम, आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट किया करवा चौथ? अब हम पुराने हो गए। मैम, बट फिर भी कुछ तो गिफ्ट दिया होगा। वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा गिफ्ट हूँ। अच्छा। So just accepted. मैम, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने हस्बैंड को? कोई भी? Stay happy forever. Okay. Thank you. मैम से बात करते हैं। मैम, आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट दिया? ढेर सारा प्यार। ढेर सारा प्यार। ओके। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने हस्बैंड को? लव यू ऑलवेज। ओके मैम, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने हस्बैंड? लव यू ऑलवेज फॉरएवर फॉरएवर। मे बी अगले जन्म में भी एक ही साथ। 7 जन्म तक। 7 जन्म तक।